आज हम लोग आ गए हैं राजन साउथ इंडियन के यहाँ पे। इनके यहाँ का ना जो डोसा है ना लुधियाना में वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है यार। आप लोग रिकमेंड करो, मैं क्यों ही ना आऊँ यार। आप लोग इतने प्यारे प्यारे जब कमेंट करते हो ना बड़ा मज़ा आता है। अब देख लिया है कोई बंदा जो है मेरा व्यूअर जो है जानता है कि बढ़िया सी लोकेशन, अभी वीडियो को स्टॉप करके कमेंट सेक्शन में जो है लिखना बढ़िया सी कोई लोकेशन, मैं वहाँ पे जाऊँगी और वहाँ का जो फूड को टेस्ट करूँगी देन फूड रिव्यू करूँगी। अब हम लोग चलते हैं और करते हैं अपने डोसा को जो है टेस्ट। इनकी बेसिकली ना लुधियाना में और भी बहुत जगह पर इनकी कार्ड जो है लगती है, बट आज मैं आ गई हूँ ऊपर चौपाटी पॉइंट पे हैबोवाल कला में। बड़ी हैबोवाल में पड़ती है इनकी कार्ड, चौपाटी में इनकी लग रही है बेसिकली। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं अपने डोसे की प्रिपरेशन और करते हैं अपने डोसे को जो है टेस्ट। चलिए फ्रेंड्स, साउथ इंडियन डोसा में यहाँ पे जो है ना भैया जी उनसे बात। कितना टाइम हो गया भैया जी आपको डोसा बनाते हुए? 20-25 साल हो गया जी लुधियाना के अंदर। अच्छा, वैसे आप कहाँ से हो? लुधियाना से ही हो? नहीं नहीं, हम तमिलनाडु के अंदर। अच्छा, तमिलनाडु से आप यहाँ पे डोसा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हमारा फेवरेट है। राजन साउथ इंडियन डोसा का तो भैया लुधियाना में बड़ा नाम है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हमारा 25-30 साल हो गया जी इसमें। फेवरेट में स्पेशल डोसा है, इडली है, बड़ा उत्तपम है, रवा डोसा है, बड़ा फेमस। अच्छा, है भैया आप मुझे एक बात बताओ, लुधियाना में जैसे आप जो खिलाते हो डोसा और जो मद्रास में प्रॉपरली वहाँ पे होता है, क्या डिफरेंस रहता है कि सेम होता है सब कुछ? हाँ जी, सब कुछ सेम है जी, थोड़ा पानी के बरक है और कुछ नहीं है, सारे सेम आइटम है, सेम वैरायटी है जी, हमारा बढ़िया नाम हो जी। वहाँ पे तो डोसा लवर्स बहुत ज्यादा होते हैं ना मद्रास? हाँ जी हाँ जी, यहाँ पे भी हम ये देखिए इतना लोग ना मसाला डोसा, रवा डोसा हमारा फेमस है लुधियाना के अंदर, रवा डोसा और मसाला डोसा और पनीर डोसा जी, इडली वड़ा बड़ा फेमस है जी। अब हर कोई लोग यहाँ पे लाइक, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में रोटी घर में बनाते हैं जो लाइक करते हैं, हमारा लाइट वेट का खाना है घर में, देसी खाना ऐसे यहाँ पे भी हम लुधियाना के अंदर भी ऐसे बना कर देते हैं, बढ़िया से ही थे। वहाँ पे डोसा इतना ज़्यादा खाया जाता है लाइक, है ना? हाँ जी जी, लाइक देखिए बहुत सब लोग यही जी, नॉर्थ इंडिया में सारे के सारे आदमी वर्ल्ड के अंदर भी हमारा डोसा के फेमस है जी। आज इसमें क्या ना, आपका वैट नहीं है, आपको कुछ भी बाहर का मसाला नहीं है, ये सारे आप खुद बना के देसी मसाला ऐसे जी आप प्रिपेयर करते हैं? हाँ जी हाँ जी, प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो भैया आप मुझे बताओ आप मुझे कौन सा डोसा खिला रहे हो आज? आप जो वो मसाला डोसा आज यहाँ पे लुधियाना के अंदर बहुत फेवरेट है जी। चलिए तो आपको बनाइए हमारा बढ़िया सा मसाला डोसा। तो गाइस ये लगने लगा हमारा मसाला डोसा। हाँ जी हाँ जी, मसाला डोसा लग रहा है जी। किस चीज का रहता है भैया ये बैटर? वो ये दाल और चावल जी। अच्छा, वही जी। खुद प्रिपेयर करते हो आप? हाँ जी, ये सारे हमारा खुद प्रिपेयर होता है जी, बाहर का कोई चीज़ नहीं जी, इसमें सारे हम प्रिपेयर करते हैं। आपका चाहिए था तेल में भी बन जाता, आपका बटर ब्लैक करता बटर में बन जाएगा जी, इसमें अलग अलग वैरायटी है जी आपको मिल जाता। ये लगा रहा जी, इसमें आलू है, प्याज है, ठीक है, हर तरह का जीरा है, सौंफ वगैरह जी, सारा मिक्सर होता है जी। मसाले वगैरह इसमें ही ऐड करते? हाँ जी हाँ जी, सब कुछ है जी, देसी मसाला जी, अपना प्रिपेयर खुद पर प्रिपेयर करते जी, ये बाहर का मसाला कोई नहीं है जी यहाँ पे। बाकी टेस्ट करके तो मैं बताऊंगी ना भैया मेरे को कैसे लगा। हाँ जी मैडम जी, किसके भी सबको पता है जी लुधियाना के अंदर राजन डोसा वाला फेमस है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब खा के देख लीजिए इसके अंदर हम, इसमें प्याज है, टमाटर है, धनिया है, इसके ऊपर डाल देंगे जी ये फ्लेवर है जी। इसके बाद आपको पनीर, आपको पनीर कर रहे हैं भाई, ग्रेट। हाँ जी, बढ़िया मसाला डोसा बना के। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैडम। टाइमिंग्स क्या रहती है भैया आपकी यहाँ पे? यहाँ पे 3 बजे से की रात को 11 बजे जी। अच्छा, हमारा डोसा रेडी है? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल रेडी है जी, आपके इतने भी चाहिए तो आप। ये आपका मसाला डोसा तैयार है, ये लो जी, ये है सांभर है जी, इसमें दाल वगैरह सब्जी वगैरह और सीताफल किया और गाजर बीन्स वगैरह सारा मिक्स होता है जी, ये हमारा मद्रास के आइटम में से बना देते जी, वहाँ का सेम टेस्ट है जी। यहाँ पर चटनी है जी, नारियल वाला चटनी है जी, इसमें रोस्टेड दाल और नारियल का हरी मिर्च अदरक बढ़ जाए जी, और ये आपका ये लाल चटनी है जी, रेड चटनी है, इसमें लहसुन अदरक और प्याज वगैरह टमाटर वगैरह और चोखा डालकर सारा मिक्स बनाता है जी। ये दाल वड़ा दाल बन जाती है, इसमें उड़ती की दाल का बन जाती है, ये सांभर वड़ा जी, इसमें इसमें ग्राइंडर में मिक्स करके इसमें हरी मिर्च अदरक वगैरह उड़ के धनिया उड़ जीरा डालकर जी इसमें तेल में फ्राई करके दी हमारा वड़ा है।
ये इडली है जी, और दाल और चावल का बंडे जी ग्राइंडर पीस करके, इसके बाद बॉइल्ड वाला जी, इसमें आपको कोई भी आज का कोई बीमारी नहीं है जी, कोई अच्छा सिस्टम नहीं है। ये पानी में स्टीम होता है जी, कभी ये तेल वाला का चीज़ है ही नहीं, इसमें तेल वेल का कुछ प्रे नहीं करते जी, आपका ये स्टीमर होता है। ये अच्छा बच्चे के लिए भी, अच्छा कोई भी आदमी के लिए, कोई बीमारी हुआ कुछ कोई आदमी के लिए खाने के लिए बहुत बढ़िया सिस्टम है जी। ये डॉक्टर का आजकल के ज़माने में यही खाने के लिए बहुत अच्छा कहता है डॉक्टर भी है। मेरा आ चुका है अभी मसाला डोसा, करते हैं हमने मसाला डोसा को जो है टेस्ट। ये हमारा जो है ना सांबर, सांबर का जो टेस्ट है ना बेसिकली डिफरेंट है यार। मज़ेदार है, इसमें बेसिकली टैंगीनेस भी पूरी है और स्पाइसेस भी अच्छी तरह से बैलेंस्ड है ना यार, मज़ेदार कंसिस्टेंसी भी आप लोग चेक कर सकते हो। बाकी इसमें क्या क्या रहता है वो सब कुछ तो भैया जी आपको बता ही चुके हैं। नेक्स्ट ना हम अपनी एक बढ़िया सी बाइट लेते हैं चटनी इसके साथ। इनके यहाँ पे ना बेसिकली देख सकते हो आप लोग, मुझे इनके टमाटर की चटनी का कलर भी जो टेस्ट डिफरेंट लगा, टेस्ट करके देखते हैं हम लोग। टेस्ट वाइज भी जैसे हम रेगुलर खाते हैं ना चटनी बेसिकली डोसा के साथ, उससे डिफरेंट टेस्ट है इसका। ये हमारी कोकोनट वाली चटनी, मज़ेदार है, कोकोनट का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, मज़ेदार है। डोसे का प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, डोसे का जो प्राइस है अभी 60 रुपीज़ है। तो मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक तो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूरी करो यार। इतनी ठंड में हम लोग वीडियो बनाने के लिए आते हैं स्पेशल सिर्फ आप लोगों के लिए, इतनी मज़ेदार लोकेशंस सर्च करी जाती हैं फिर उन पे जाया जाता है, आप लोगों के लिए इतनी बढ़िया वीडियो बनाई जाती है गाइज। तो सपोर्ट करो यार आप लोग भी। मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज।